अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी, क्यों जताया राहुल समेत इन नेताओं का आभार, क्यों कहा दशकों तक रखा जाएगा याद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखकर दिल्ली सेवा विधेयक पर समर्थन देने के लिए आभार जताया है। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संविधान के सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दशकों तक याद रखा जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने अपने इस पत्र में क्या कुछ लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र में लिखा है, GNCTD संशोधन विधेयक 2023 को खारिज करने और इसके खिलाफ मतदान करने में उनकी पार्टी के समर्थन के लिए दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, शरद पवार, MK स्टालिन, हेमंत सोरेन, KCR समेत कई और वरिष्ठ नेताओं को चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने पूर्व PM मनमोहन सिंह और JMM नेता शिबू सोरेन को विशेष धन्यवाद देते हुए चिट्ठी लिखी कि स्वास्थ्य बेहद खराब होने के बावजूद लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में शामिल हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में और क्या कुछ लिखा, आइए आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, मैं GNCTD संशोधन विधेयक 2023 को अस्वीकार करने और इसके खिलाफ मतदान करने में आपकी पार्टी के समर्थन के लिए दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। मैं संसद के अंदर और बाहर दिल्ली के लोगों के अधिकारों की वकालत करने के लिए आपके दिल से सराहना करता हूं। मुझे भरोसा है कि संविधान के सिद्धांतों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा दशकों तक याद रखी जाएगी। हम संविधान को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई में आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं। आपको बता दें कि विपक्षी एकता को लेकर पहले पटना और फिर बेंगलोर में मुंबई अधिवेशन के बाद कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली अध्यादेश विधेयक के विरोध में साथ देने का वादा किया था। अपने वादों पर अमल करते हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तावित दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध किया। लेकिन आपको यह भी बता दें, अरविंद केजरीवाल की पार्टी इससे पहले भी कांग्रेस से समर्थन ले चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से ही उन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी जो सिर्फ 49 दिन चल सकी थी, यानी कि 49 दिन ही चली थी। आपने कांग्रेस से दिल्ली और पंजाब में सत्ता छीनी तो गुजरात, गोवा समेत कई राज्यों में उसके वोट हिस्सेदारी में भी कटौती की है। मोदी सरकार को केंद्र सरकार की सत्ता से हटाने के मकसद से ही दोनों दल अब साथ आए हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।